बाबा साहब ने ये बताया मेरे पिताजी को, मेरी मूर्ति बना के आपको क्या मिलने वाला है, आप बनाइए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अन्य नेताओं की, क्योंकि उनके पीछे बिरला जी, टाटा जी जैसे, जिसको कहते हैं कि व्यापारी वर्ग, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब उनके पीछे बैकिंग में है। तो मेरे पिताजी ने उस वक्त उनको कहा, आपको एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे हम मूर्ति बना के हमारे स्टूडियो में रखना चाहते। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दी और स्टूडियो में आए और उन्होंने, मेरे पिताजी ने मूर्ति चालू की। आधे घंटे के अंदर जोर से बरसात आ गया। बरसात आया वैसे बाबा साहब कुर्सी पे से उठ गए और उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि मुझे अभी तुरंत जाना पड़ेगा, क्योंकि ओवल मैदान में उनकी गरीब बच्चों के लिए, जिनके पास में किताबें नहीं, उनके लिए लॉ की किताबें वो रखते थे। बरसात बढ़ गया तो किताबें खराब हो जाएगी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल गए। मेरे पिताजी ने फोटो के आधार पर एक मूर्ति बनाई, लेकिन जैसे शिल्पकला की सबसे बड़ी जो इच्छा रहती है कलाकार की, सामने बिठा के मूर्ति बनाए, जैसे मेरे दादाजी ने महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, गुरुदेव टागोर, उनकी मूर्तियां बनाई थी, वैसी मूर्ति बाबा साहब की बनाना चाहते थे मेरे पिताजी। और मैं तीसरे पीढ़ी का शिल्पकार हूँ, मैं राष्ट्रीय नेताओं के और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मूर्तियां बनाता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां मैं बना चुका हूँ। मेरे पिताजी ब्रह्मेश विनायक राव वाघ, और उन्होंने बाबा साहब की सबसे पहली मूर्ति जो आप देख रहे हो मंत्रालय के बाजू में कुपरेज में, वहां उसकी स्थापना की है। उसके बाद में पार्लियामेंट के भी मूर्ति मेरे पिताजी ने बनाई है। बाबा साहब का जहां जहां जाना हुआ शिक्षा के लिए, जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां भी उस जवानी की मैंने मूर्ति बनाई है, वहां स्थापित कर दी है। चौदार टैंक के लिए भी 1927 में उन्होंने जो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया, उस वक्त की मूर्ति भी मैं उनके, जिसे कहते हैं जवानी की इंप्रेशन के लिए बनाई हूँ। उनके आशीर्वाद से आज तक हम अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति मुझे मिली है, अलग अलग अवार्ड्स भी मिले हैं। अभी 1959 से जो कार्य चालू था, आज 2017 तक 1000 स्मारक शिल्प हमारे स्टूडियो से बन चुके हैं। ऐसी जगह मूर्तियां लग चुकी है जहां रोड भी नहीं हो, पालखी में डाल के भी आदमी लेके गए। 40 साल पहले जो मूर्ति बनी थी, मेरे पिताजी ये भी कहते थे, जो ऑर्डर देने आते थे गांव से, उनके पाँव में चप्पल भी नहीं रहती, लेकिन उनकी भावना इतनी बड़ी रहती कि हमारे गांव में बाबा साहब की मूर्ति जरूरी है। ये स्टैचू बनाने को, लाइफ साइज का स्टैचू बनाने को साल तक का वक्त लगता है, बड़े स्टैचू बनाने को 1.5 साल का लगता है, और घोड़े के ऊपर वाले बनाने को 2 साल का भी वक्त लगता है। कहा जाता है आर्ट में कि सबसे कठिन कला जो है वो गायन एक नंबर की है, क्योंकि उसमें सुरीला गला नहीं हो तो गा ही नहीं सकता आर्टिस्ट। और दूसरी कला है वो शिल्प कला है, क्योंकि इसमें एक ही कलर में मूर्ति की जाती है, उसमें अलग अलग कलर नहीं है। मार्बल की एक कलर में रहती है, पंचधातु की एक कलर में रहती है, तो एक कलर में पूरा इंप्रेशन व्यक्ति का लाना सिर्फ डायमेंशन से, ये कठिन काम है। ऐसे ये कला का इतिहास है।